महंगाई है तो सब हर चीज महंगा मिल रहा है तो आदमी परेशान तो है ही है। बीजेपी यहाँ से परेशान है मतलब नहीं है बीजेपी में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी नहीं महंगाई तो सब में आती है लेकिन इस समय आई हुई है महंगाई ज्यादा। कुछ योगी राज जी का मतलब इतना तो है कि एक मॉरल हिंदू का उठा है थोड़ा सा, हिंदू एक बराबरी का बराबर तो स्थान बनने के लिए थोड़ा हिंदुत्व तो ऊंचा होना चाहिए। अभी हिंदुस्तान नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार बदलनी चाहिए। दूसरी ये उत्तर प्रदेश में तो आपने भी देखा होगा कि एक सरकार दोबारा लाते नहीं है, यूपी वाले सरकार में परिवर्तन होता है। ये करेंगे मोदी जी को जिताने की। आजम खान कैसे लगते हैं? लगने को तो सब अच्छे लगते हैं, काम जो अच्छा दिखा वो अच्छे लगते हैं। फिलहाल तो आजम खान ही जीतते हैं 100% रामपुर से। बीजेपी से मतलब कुछ खास नहीं? बीजेपी ने कुछ नहीं किया है 7 सालों में। इस बार क्या लग रहा है माहौल ओवरऑल आपको देखा जाए? माहौल तो मिला जुला ही है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो लग रहा है कि समाजवादी आएगी। हम तो है हिंदूवादी हैं, हिंदूवादी हैं लेकिन जीतेगी मतलब सफाई सब सुविधा दे रही है हिंदुत्व के लिए, बढ़िया है, जय जयकार है, मंदिर बनवा दिए और क्या चाहिए, बल्ले बल्ले हिंदुत्व, हिंदुत्व मुद्दा है। मंदिर से रोजगार मिल जाएगा क्या? मंदिर से काम क्या, मंदिर हम क्या करने जाएंगे? यूपी में तो बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, बीजेपी की आनी चाहिए। आजम खान जी कैसे हैं? बढ़िया है, यहाँ पे काम कराया उन्होंने? यहाँ पे बहुत काम करा। यहाँ पे क्या है स्थिति? स्थिति तो रामपुर से आजम खान की है, यहाँ की सीट तो उनकी पक्की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर और हम आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हो रहे हैं, क्योंकि मतदान दूसरे चरण का होना है और दूसरे चरण का मतदान जहां पर होना हो एक ऐसी जगह पर हम पहुंचे हुए हैं, रामपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी हैं। और रामपुर विधानसभा क्षेत्र में इसलिए पहुंचे हुए हैं क्योंकि यहां पर मुस्लिमों का तो वोट जाता ही जाता है समाजवादी पार्टी को, लेकिन ये जानने के लिए अब यहां पर आए हुए हैं हम एक ऐसे इलाके में आए हुए हैं रामपुर के जो ज्वाला नगर है और यहाँ पर हिंदू बहुल इलाका है बताया जाता है। तो यहाँ पर जो हिंदू हैं उनसे जानेंगे कि वो किसका समर्थन कर रहे हैं और क्यों समर्थन कर रहे हैं, और दूसरे चरण का जो मतदान है वो किधर इनका वोट जा रहा है और क्या मुद्दे हैं, तो आइए बात करते हैं। तो यहाँ ज्वाला नगर में पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर हम जान रहे हैं कल वोटिंग है, क्या कहेंगे कि क्या मुद्दे हैं आपके लिए इस बार के लिए? अब महंगाई मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा महंगाई है, महंगाई कम हो जाए बस और सब ठीक है। जो चल रहा आलू 15 रुपए हो गया। यहाँ पर कहा जाता है हिंदू बहुल इलाका है ये, तो ये जी हिंदू बहुल, तो हिंदुओं का भी वोट जाता है क्या, मतलब बीजेपी को जाता है या फिर दूसरी पार्टी में जाता है? ज़्यादातर बीजेपी को जाता है हिंदू का वोट। महंगाई का कुछ असर होता है? महंगाई है तो सब हर चीज महंगा मिल रहा है तो आदमी परेशान तो है ही है। बीजेपी यहाँ से परेशान है मतलब महंगाई बीजेपी में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी नहीं महंगाई तो सब में आती है लेकिन इस समय आई हुई है महंगाई ज्यादा। कुछ ज्यादा है महंगाई जी? योगी राज जी का मतलब इतना तो है कि एक मॉरल हिंदू का उठा है थोड़ा सा, हिंदू एक बराबरी का बराबर हिंदुत्व है, मतलब हिंदू को मतलब ये नहीं कह रहे हिंदूवाद हो जाए लेकिन हिंदुस्तान बनने के लिए थोड़ा हिंदुत्व तो ऊंचा होना चाहिए। अभी हिंदुस्तान नहीं है भाई, अभी तो भाई बराबरी हम सब हिंदुस्तान अच्छी दिशा में जा रहा है मोदी और योगी के नेतृत्व। क्या कहें भाई बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजीव है। क्या कहें, महंगाई वगैरह से या किसी वजह से जो लोग बताते हैं दुखी हैं लोग, आप लोग? महंगाई तो है, बहुत महंगाई है यार, महंगाई का तो कंट्रोल ही कहाँ कर रही सरकार, बहुत महंगाई है, सरकार बदलना चाहिए महंगाई को देखते हुए। कौन सी सरकार फिर आनी चाहिए? सरकार नहीं आए, कोई भी आ जाए अगर नहीं आए सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बदलनी चाहिए। दूसरी ये उत्तर प्रदेश में तो आपने भी देखा होगा कि एक सरकार दोबारा लाते नहीं है यूपी वाले, सरकार में परिवर्तन होता है और होना भी चाहिए। नहीं अब अच्छी बात कह रहे हैं सरकार में परिवर्तन होता है, लेकिन जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू वाला मसला है, हिंदू हैं तो हिंदुओं को वोट करेंगे बीजेपी को वोट करेंगे, ऐसा कुछ है? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम वाली बात तो यही लोग फैलाते हैं, अगर पब्लिक अगर इनकी बात पर आ जाए तो पूरी दुनिया में जाने क्या से क्या कर दे। आजम खान जी कैसे लगते हैं? आजम खान जी बढ़िया है, बढ़िया, ये सब उन्हीं का विकास है रामपुर के अंदर, बीजेपी का कोई विकास नहीं हुआ रामपुर में, बीजेपी का कोई विकास नहीं हुआ, नहीं हुआ। आप भैया यहीं के? जी भैया बताइए। क्या नाम है आपका? प्रदीप राठौर। क्या कहेंगे रामपुर में क्या माहौल चल रहा है, कल वोटिंग है? सर अभी तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं, फिर भी देख के लगता होगा कि क्या कुछ। फिलहाल तो दुआ ये करेंगे मोदी जी को जिताने की। आजम खान कैसे लगते हैं? लगने को तो सब अच्छे लगते हैं, काम जो अच्छा दिखा वो अच्छे लगते हैं। फिलहाल तो
आदम खान ही जीतते हैं 100% रामपुर से। इस बार दूसरे वो कौन खड़े हुए? आकाश शर्मा हनी हनी आकाश सक्सेना हनी हाँ जी। क्यों नहीं जीतेंगे? कोई नहीं जीतेंगे भाई, इसका कुछ नहीं कह सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते जी। लेकिन आप बॉलिंग क्यों, आप क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में महंगाई हो गया पे नियंत्रण है बीजेपी सरकार? फिलहाल तो बहुत कुछ है, ठीक चल रही है जी जी। सर आप यहीं पे हैं, रामपुर के ही हैं? हाँ बताइए। अच्छा क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? इलेक्शन है, कल वोटिंग है। पता नहीं अभी क्या माहौल चल रहा है। क्या लगता है कि बीजेपी का शासनकाल कैसा रहा 5 साल? बीजेपी का तो अच्छा नहीं रहा कुल मिला के देखा जाए तो। और यहाँ पर जो आजम खान है उन्होंने कुछ कराया? आजम खान ने तो इस साल कुछ नहीं कराया, पहले उन्होंने अच्छे काम करवाए थे, वैसे ऐसी बात नहीं है। जितना उन्होंने काम करा दिया शायद ही कोई करवा पाएगा आने वाले दिनों में भी। काम के मामले में तो उन्होंने बहुत करवाया है। बीजेपी से मतलब कुछ खास नहीं? बीजेपी ने कुछ नहीं किया इन 7 सालों में, 7 साढ़े 7 साल। इस बार क्या लग रहा है माहौल ओवरऑल आपको देखा जाए? माहौल तो मिला जुला ही है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो लग रहा है कि समाजवादी आएगी। तुम्हें क्या लग रहा? आप बताइए, आपकी आपकी सेवाया क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे होने चाहिए जिस पे बात होनी चाहिए? बात अच्छी होनी चाहिए। अच्छी महंगाई बहुत हो गई, महंगाई गरीब आदमी मारे जा रहे हैं, बत्ती के बिल बहुत हो गया, वो बड़ी मुश्किल दे जा रहे हैं, वो सस्ते होने चाहिए। मैं नहीं, मुझे समझ आती, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। वैसे यहाँ भी बहुत महंगाई हो गई, बिल बहुत हो गया। अच्छा अच्छा, राम बहादुर क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, क्या माहौल देखते हैं? माहौल तो बीजेपी का ही है, और जो भाई शर्मा लगा, बीजेपी अगर आएगी तभी हिंदुत्व बचेगा, नहीं तो हिंदुत्व मतलब खतरे में है क्या? हाँ, रामपुर में खतरे में ही है रामपुर में। नहीं तो पता ना कि डंगर खुलते थे जब समाजवादी सरकार थी तो जानवर खुलते थे, मोटर खुल जाती थी, इंजन खुल जाते थे, लेकिन जब से योगी की सरकार आई तब से कोई गुंडागर्दी नहीं है। तो ये मतलब यहाँ पे रामपुर में क्या कुछ है, मतलब दिक्कत क्या है कि 9 बार तो जीत चुके हैं, 9 बार आजम खान ने कुछ कराया नहीं? काम कराया लेकिन उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी तैयार कराई है। तो यूनिवर्सिटी में बच्चे तो पढ़ते ही हैं ना? बच्चे तो पढ़ते हैं लेकिन बच्चे वहाँ पर उधर मोहाली नहीं जाने का, ऐसी जगह यूनिवर्सिटी बनी है, ये है उधर तो गुंडागर्दी ज़्यादा चलती है। अभी क्या नाम है? राजपाल सिंह। अच्छा क्या कहेंगे यहाँ पे, क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, का सब चल रहे हैं भाई, सही चल रहा है का। किसकी किसके बीच टक्कर लग रही है? साकिल की फूल चल रही टक्कर आ रहा है ना, इस बार फूल का भी है यहाँ पे, फूल का भी है, फूल भी है, फूल है, फूल टक्कर में है, टक्कर फूल दोनों की टक्कर भाई। आजम खान जी कितने काम कराया कि नहीं कराया यहाँ पे? पहले कराया था, जब कराया था पहले कराया, काम किया अच्छा, मतलब काम का सही किया, वैसे काम किया था। इस बार लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं दोबारा से? भाई कर दो सर, हरी बात है, कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, धनी बात है, बस कर रहे हैं। बीजेपी राज में खुश है आप? महंगाई वंगाई है कि नहीं है, सब बढ़िया है? अरे महंगाई है जो कुछ है भाई, ये क्या कर रहे हैं भाई, गल्ला मिला फ्री का बचेगा, राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है भैया, राशन से खुश हैं? खुश ही हैं अभी, खुश ही है, खा रहा है, खुश ही है, तो खा रहा है, खुश ना खुश ना भाई, राशन जब तक मिलेगा तब तक खुश रहेंगे। जीना तो है ही यार भैया, खाना है नहीं, क्या है मतलब मजबूरी क्या है कि दोनों तरफ से खुशी रहना है ना? देखो जो भी सरकार बनती है वो अपना अच्छा ही करती है, है नहीं? हमें तो कोई भी सरकार बने लेकिन हमारे लिए तो सभी अच्छी है, सब अच्छी है, कोई भी आ जाए, कोई भी। इस बार का माहौल क्या लगता है, कौन आएगा इस बार में? तो देखो बीजेपी की और समाजवादी की टक्कर है। क्या नाम है आपका सर? रामचंद्र। क्या कहेंगे यहाँ पे रामपुर में, क्या माहौल चल रहा है आपके? जाति जो है ना मुसलमानों की ज्यादा है, मुसलमान आबादी ज्यादा है, तो समाजवादी पार्टी का चल रहा है तो सलावालों को करते ना तो पहले इनकी सलाह हो जाती है, सलावालों को करते ना एक दूसरे से तो सलाह हो गई इनकी, समझ लो। आप लोगों का क्या लगता है? तो है हिंदूवादी है, हिंदूवादी है लेकिन जीतेगी मतलब सफाई है। क्या नाम है आपका? जयदीप गौतम। क्या कहेंगे गौतम जी, क्या लगता है कि यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो सबसे ज़्यादा तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी से परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या कहा जाए। तो हिंदू की सरकार है, मंदिर वंदिर बना दिया खुश है? मंदिर क्या, मंदिर से रोजगार मिल जाए क्या?
मंदिर से काम क्या, मंदिर हम क्या करने जाएंगे, मंदिर के लिए हम क्या करेंगे, जब रोजगार ही नहीं होगा तो मंदिर हमारे लिए क्या है। कि कौन सा पार्टी है जो लगता है विकास कराएगी? सब पार्टी वही है, वोट ले लेते हैं, कोई विकास कहाँ कर पाता है कोई भी। फिर यार इस बार परिवर्तन लग रहा है, कुछ होगा परिवर्तन? परिवर्तन तो होगा। हाँ परिवर्तन तो होगा। किस के बीच टक्कर लग रही है इस बार? समाजवादी और बीजेपी है। समाजवादी निकाल सकती है? समाजवादी हाँ निकाल सकती है। दोबारा से 10वीं बार? हाँ 10वीं बार निकाल सीट। आजम खान ने काम कराया था? हाँ काम कराया है, काम हुआ है, काम कराया है यहाँ पर और काफ़ी विकास हुआ है। ये कहा जाता है ये जो हिंदुओं का इलाका है तो यहाँ पे बीजेपी है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं। यहाँ पे हिंदू लोग भी सपोर्ट करते हैं? सब सही है यहाँ पे। और क्या लगता है मुद्दे क्या है, मतलब कि जिस पे सबसे ज़्यादा लोग गुस्से में हैं बीजेपी से? सबसे ज़्यादा महंगाई से बहुत परेशान है, बेरोजगारी से बहुत परेशान है, सरकार में कोई भर्ती नहीं निकली है और सबसे ज़्यादा कोई वैकेंसी नहीं निकली है, जो पेपर हुआ सब कैंसिल हो गया है और जो भी एग्जाम दे कोई कुछ नहीं है इस सरकार में। क्यों साहब आपका नाम क्या है? मुनीश कौशिक। क्या कहेंगे आपके यहाँ क्या माहौल चल रहा है, कल वोटिंग है? बहुत बढ़िया, भाजपा का भाजपा आ रही है। अच्छा क्या लगता है कि भाजपा क्यों आएगी? उसका काम अच्छा था इसलिए आई भाजपा। अच्छा ऐसा क्या मतलब काम किया भाजपा ने? अरे सब सुविधा दे रही, हिंदुत्व के लिए बढ़िया है, जय जयकार है, मंदिर बनवा दी और क्या चाहिए, बल्ले बल्ले। हिंदुत्व मुद्दा है, हिंदुत्व मुद्दा है। लेकिन 9 बार तो आजम खान रहे हैं, 9 बार तो आजम खान रहे होंगे, प्रयास हमारा है, प्रयास है, लग तो रहा है, अंदाज है जीतने का, जीत सकते हैं। अच्छा जीत सकते हैं हमारे अनिल भाई। मेरा छोटेलाल। छोटेलाल जी क्या माहौल चल रहा है, कल वोटिंग है? कल वोटिंग है, माहौल तो बढ़िया है। इस बार परिवर्तन होगा या फिर क्या लगता है यूपी में? यूपी में तो बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। आजम खान जी कैसे हैं? बढ़िया हैं। यहाँ पे काम कराया उन्होंने? यहाँ पे बहुत काम कराया। तो यहाँ पे क्या है स्थिति? स्थिति तो रामपुर से आजम खान की है, यहाँ की सीट तो उनकी पक्की है, आजम खान जी की पक्की है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ हिंदू सपोर्ट करते हैं हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी को? नहीं हिंदू तो खैर बीजेपी को ही करते हैं, लेकिन सीट यहाँ से आजम खान की निकलती है। सीट यहाँ से आजम खान की निकलती है जी, भले ही बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो आप फिर भी बीजेपी को ही देंगे जी? हम तो खैर बीजेपी को ही देंगे जी। तो यहाँ पर अभी रामपुर में जिस इलाके में हम हैं वो हिंदू बहुल इलाका है, हमने लगभग सभी हिंदुओं से बात की यहाँ पर और जो उनका आजम खान के बारे में जो कहना है वो उन्होंने बताया। और ये भी आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं वो, कुछ लोग जो हैं उसमें से योगी सपोर्टर भी हैं, हालांकि ज़्यादातर लोग ये भी हैं कि कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। तो यहाँ से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हिंदू बहुल इलाका है तो हिंदू के नाम पर भाजपा वोट ले जाएगी। अब देखना ये होगा कि 10 मार्च को क्या कुछ रिजल्ट आएगा। देखते रहिए फोरम, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन कोमल के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।